हेलो। तो बाहर सॉलिड वाला अंधेरा है। वो आग अभी तक जल रही है हमारी पेट में, और इधर जंगल वाली साइड पे कुछ नहीं है। एक मिनट, मैं लाइट ऑन करता हूँ। सी इस घुप अंधेरे में सिर्फ और सिर्फ ये आग। इट्स काइंड ऑफ स्केरी है, लेकिन मज़ा आ रहा है। तो आई विल कैच यू गाइज इन द मॉर्निंग। गुड नाइट। हेलो, हे गाइस, दिस इज आशीष एंड वेलकम टू एवी वेंचर्स। और हम हैं उत्तराखंड के एक जंगल के अंदर, राजा जी नेशनल पार्क टू बी वेरी प्रिसाइज। ऐसा कुछ नहीं है, हमारा रिजॉर्ट वहाँ पीछे है और स्कॉर्पियो को मैंने ऐसे ही खड़ा किया है यहाँ पे। मेरी गाड़ी के अंदर एक बेड है, एक ड्रॉअर सेटअप है, बेसिकली एक तरह से दिस इज़ ए कम्प्लीट कैंपर वैन जिसमें कि आप कभी भी ट्रैवल कर सकते हो। आपको होटल्स या रेस्टोरेंट्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ आपके पास इस कार के अंदर है। इसको बनाने का जो पूरा प्रोसेस है, जो पूरा वीडियो है, वो मैं ऑलरेडी अपनी चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, यू कैन चेक इट आउट। बट मैंने कभी भी इसको प्रॉपर सेटअप करके जो है दिखाया नहीं है। इस बार हमारे पास टाइम है, जगह है, तो आई थॉट कि एक बार इसको पूरा सेटअप करते हैं। आई विल शो यू द ड्रॉअर्स कि एग्जैक्टली है क्या, किचन कैसा है मेरा, हाउ एग्जैक्टली डू वी कैंप, कभी ज़रूरत पड़े तो हम क्या कर सकते हैं, और बेड कैसा है, ये सब इस जंगल में आई शो इट टू यू। और बिफोर वी बिगिन, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब और डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम @ आशीष भाटिया वेंचर्स। जस्ट लिसन टू दिस, हवा और चिड़िया, बस और कुछ नहीं। तो पहले इसको किसी सीधे सरफेस पे खड़ा कर देते हैं, क्योंकि ऐसे खोलेंगे तो सब कुछ गिर जाएगा। तो लेट्स बिगिन। हेलो, चलो हमारी बात में। तो द आइडिया इज क्वाइट सिंपल। अभी तक जो है मैंने आपको बनाते हुए दिखाया था बेड एंड ड्रॉअर, अब मैं दिखाता हूँ कि एक्चुअल में है क्या, हाउ एग्जैक्टली डज इट वर्क्स। सो यू कैन सी एक सिंपल सा सेटअप जहाँ नीचे दो ड्रॉअर हैं और उसके ऊपर एक बेड प्लेटफॉर्म है। हमारा सामान बेसिकली इसी तरह से आता है इसके ऊपर। यू कैन सी इस नेट की वजह से सामान अपनी जगह पे रहता है, हिलता नहीं है, गिरता नहीं है। तो अब एक बार इसको खोल के देखते हैं। एक सिंपल टेबल, फोल्डिंग टेबल दैट वी कैन जस्ट जस्ट एनीवेयर वी वांट। अब एक बार ड्रॉअर को खोल के देखते हैं। यहाँ पे बेसिकली दो ड्रॉअर्स हैं, दोनों अलग अलग पर्पज सर्व करते हैं। दिस इज़ आर किचन, दिस इज़ आर कैंपिंग एंड टूल बॉक्स। अगर आप इसको खोल के देखोगे तो दिस इज द बेसिक सेटअप। ये जो है ये एक एडिशनल टेबल है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं फॉर कुकिंग या चॉपिंग ब्लेड्स। इसमें तीन क्लैंप्स लगे हैं और ये ड्रॉअर की ये जो साइड वॉल है इसके साथ जुड़ जाती है। ड्रॉअर की साइड वॉल के साथ जोड़ सकते हो। और उसके बाद हमारा जो किचन है दैट इज़ रेडी फॉर यूज़। यहाँ पे हमारा सारा खाने पीने का सामान, बेसिकली ऑल द ईटेबल्स, चिप्स, फूड आइटम्स, स्पाइसेस, ये बॉक्स स्पाइसेस का, इवन सॉल्ट, पेपर, हल्दी, धनिया, जीरा। इसके अंदर सारे मसाले हैं हमारे। देन वी हैव चिप्स एंड बिस्किट्स, इस तरह के जो बॉक्सेस हैं, इसमें हमारा चावल, दाल, ये सब रहता है।
इसके अंदर जो है हमारे यूटेंसिल्स होते हैं, यू कैन सी थोड़ा अप क्लोज सारे बर्तन, ये बेलन चकला सब इसके अंदर रहता है। ये जो पार्टीशन है, ये पार्टीशन इस ड्रॉअर को दो हिस्सों में डिवाइड करता है एंड दिस इज टोटली 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 एडजस्टेबल। आप इसको निकाल सकते हो, ये जो पार्टीशन है आप इसको निकाल सकते हो एज इट इज, तो ये आपको पूरा सेक्शन मिल जाएगा। आप इसको जो चाहे वो अपने हिसाब से रख सकते हो। हाँ, ये पूरी तरह से मेंडेबल है, एज पर योर रिक्वायरमेंट जैसा आपको चाहिए कर सकते हो। कुकिंग के लिए वी हैव ए पोर्टेबल गैस। ये कवर ओवर पर मत जाना, ऑलमोस्ट 2 साल से हम इसे यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी शक्ल ज़रा थोड़ी राम भरोसे हो गई है, बट दिस इज वेरी 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 यूजेबल एंड वेरी यूज़र फ्रेंडली। सिंपल सा है, क्या लो स्लाइड डाउन एंड दिस गोज ऑन। श्योर अभी आपको आएगी, ऑन है, ऑन है, रोशनी में नज़र नहीं आ रहा, बढ़िया ऑन है, यू कैन सी। इसके अंदर यहाँ पे ये गैस कार्ट्रिजेस जलती हैं, सिंपल। एक गैस कार्ट्रिज करीब 2 से 2.5 घंटे चल जाती है और उसके लिए हमने यहाँ पे सेक्शन बनाया है, थोड़ा नीचे चला गया, यहाँ मिसलिनियस सामान रखा है और ये गैस कार्ट्रिजेस 3 या 4 आप जितनी चाहो अपने ट्रिप के हिसाब से रख सकते हो। वो सेक्शन अलग है, गैस का सेक्शन अलग है। ये सब हमने अलग अलग किस लिए बनाया है, क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हो और सामान रखते हो सब कुछ एक साथ मिक्स हो जाता है, तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आपका सामान जो है वो सेग्रीगेटेड हो, वरना जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी वो आपको मिलेगा नहीं। तो इट्स बेटर कि हर चीज़ की अपनी डेजिग्नेशन जगह हो, हर चीज़ अपनी अपनी लोकेशन पे हो और उसी में ये सेटअप काम आता है, वरना आप ये सारा सामान जो है किसी बैग में या थैले में डाल के भी साथ में रख सकते हो, लेकिन आई कैन बेट ऑन दैट कि जब ज़रूरत होगी आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये हो गया हमारा किचन सेटअप, मैं इसको जो है बंद कर देता हूँ क्योंकि मैं अब दिखाने जा रहा हूँ आपको अपना दूसरा ड्रॉअर। और हाँ, इसको लॉक करने के लिए, ये मैं मिस कर गया, इसको लॉक करने के लिए हमारे पास ये क्लैंप लॉक्स हैं और इसकी वजह से ये अपनी जगह से हिलते नहीं हैं, इवन वाइल यू आर ऑफ रोडिंग और जितना टूटा भांगा रास्ता हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अपनी जगह पे सिक्योर रहते हैं। पेस है ये वाली, ये मैंने जानबूझ के ऐसे डिज़ाइन करी है ताकि मेरी जो 2 कैंपिंग चेयर्स हैं वो इधर और इधर आ जाए, दोनों चेयर्स यहाँ पर आ जाती हैं। ओपन देम, और एक सेटअप तैयार हो जाता है टू सिट एंड वर्क। तो ये हमारा दूसरा ड्रॉअर है, यहाँ ऊपर जो है एक क्रेट है, एक सेकंड आप पास आ जाओ, दूर से नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ ऊपर जो है ये एक क्रेट है, ये जो क्रेट है दिस इज़ डिज़ाइन स्पेसिफिकली फॉर माय टूल्स। एक ये टूल बॉक्स है जिसके अंदर की मेरे सारे टूल्स हैं, यू कैन सी। उसके बाद ये मेरा एयर कंप्रेसर, ये चिल्लड़ है, ये मैंने पता नहीं क्यों रखी हुई है। टिश्यू रोल, ये मेरा एक दूसरा पोर्टेबल बर्नर है इन केस अगर हमें कभी 2 गैसेस की ज़रूरत पड़े तो उसके लिए काम ये भी अच्छा करता है, इन केस अगर कभी हमें 2 गैसेस की ज़रूरत पड़े, जैसे एक पे खाना बन रहा है, एक पे दूध या चाय कुछ बनाना है, तो वी कैन यूज़ दिस वन। सिंपल सा सेटअप है, जहाँ पे सिलेंडर लग जाता है उस जगह पे वही सेम सिलेंडर जो उसमें लग रहा है वही इसमें लग जाता है एंड वी कैन यूज़ दिस। यहाँ पे दिस क्रेट होल्ड्स माई टूल्स, और जब मैं इसको हटा देता हूँ तो इसके नीचे है एक कम क्लोज़र, आप देख सकते हो कि इसके नीचे आते हैं मेरा
मिसलिनियस आइटम्स कैंपिंग रिलेटेड जो हैं वो हैं, जैसे अब ये है, जैसे कि ये लाइट, ये मेरा टेंट है, और ये है मेरा स्लीपिंग बैग। बेसिक सेटअप, ये जो है एक एडिशनल एक पार्टीशन है, अगर मैं चाहूँ तो इसे यहाँ से हटा सकता हूँ। ये पूरा ड्रॉअर एज इट इज़, अगर मैं ये क्रेट और ये पार्टीशन हटा देता हूँ तो ये पूरा ड्रॉअर एज इट इज़ मुझे मिल सकता है। जो भी सामान मुझे रखना है उसके अंदर मैं रख सकता हूँ, अगर कोई बड़ी आइटम है तो वो भी रख सकता हूँ। तो दिस इज़ माई टूल्स एंड कैंपिंग बॉक्स। और हाँ, एक चीज़ और, मेरी लाइट्स, कैंपिंग लाइट्स जो कि मैग्नेटिक हैं, सिंपली यहाँ से जो है ये बॉडी के साथ जुड़ जाता है, और ये जो इसका कनेक्टर है, आई एम वर्किंग ऑन द कनेक्टर पार्ट अभी, तो मुझे जो लोकल मार्केट से मिला मैं वही लेके आ गया हूँ, बट नियर फ्यूचर में मैं इस कनेक्टर को भी चेंज करने वाला हूँ। ये सिंपल मैग्नेटिक लाइट इस कनेक्टर से जुड़ गई, और इसका जो स्विच है वो अंदर से ऑपरेट होता है। अब ये डिटैचेबल लाइट है कि जब ज़रूरत हो मैं तभी लगाता हूँ। एक लाइट यहाँ है और एक लाइट है वहाँ डोर के पास पीछे। ये पूरा जो कैंपिंग एरिया है उसको इल्यूमिनेट कर देता है। और इस सेटअप का जो तीसरा पार्ट है, तीसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट, वो है ये ऊपर का। दिस इज़ स्टिल अंडर कंसिड्रेशन, कुछ ना कुछ इसमें चेंज का मैं सोच रहा हूँ अभी, बट दिस इज़ फाइनल। इस बेड को खोलने के लिए सबसे पहले मुझे जो है ये सीट्स जो हैं ये पूरी आगे करके लाइन करनी पड़ती है। तो सेकंड स्टेप, जो मिडल रो है इसको आपको फोल्ड करना है पूरा आगे तक, नहीं बस 50% यहाँ तक। नेक्स्ट स्टेप सिंपल सा है, ये मैट हटाओ, यहाँ पे ये दो छोटे बोल्ट हैं इनको खोलना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो सेटअप है एटलीस्ट ड्राइव करते टाइम अपनी जगह पे सिक्योर हो, फिक्स हो। ये दो बोल्ट बाहर, ये जो प्लैंक है ये खोलो, ये सामने तक चला जाता है। और जब ये प्लेटफॉर्म खुल जाए तो आप इसके ऊपर अपनी कोई मैट्रेस या कुछ भी बिछा सकते हो। मेरे पास एक ये फोल्डिंग मैट्रेस है जो मैं अभी कैरी कर रहा हूँ, आप चाहो तो कोई एयर मैट्रेस भी यूज़ कर सकते हो, इट इज़ टोटली योर पर्सनल चॉइस। ये थोड़ी ज़्यादा ड्यूरेबल लगती है मुझे कंपेयर टू एयर मैट्रेस, हालांकि एयर मैट्रेस जगह कम लेगी, लेकिन इसमें रात में सोते सोते फटने का या पंचर होने का डर नहीं है। एक बेसिक 4x6 का बेड जो है वो रेडी है, आप चाहो तो दो अडल्ट्स या एक छोटा बच्चा है बीच में तो उसको भी एडजस्ट करा के सुला सकते हो यहाँ पे। तो ये मेरा एक सिंपल सा सेटअप है। तो ये जो बेड है ये हम लोग रेगुलरली यूज़ नहीं करते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि रात में आराम से सोना होता है। दिस बेड इज़ मेनली फॉर सम एमरजेंसी पर्पस, अगर इन केस, जैसे हमारे साथ कई बार हुआ है कि हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाए हैं, बीच में अटक गए हैं, हमें जो है बहुत मुश्किल हुई अपनी डेस्टिनेशन पहुंचने में, अगर हमारे पास उस टाइम पे ये ऑप्शन होती तो शायद हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता। तो ये उसी काम के लिए बना है, एमरजेंसी के लिए जो है। द सेटअप इज़ ऑसम, एक तरह से आपके पास सोने की पूरी जगह है, नीचे आपके पास किचन है। जब ये बेड खुला होता है तब भी जो है ये किचन जो है कम्प्लीटली ऑपरेशनल है। तो दिस इज़ इट, एक सिंपल सा सेटअप। और अब मैं थोड़ा सा कोजी हो जाता हूँ क्योंकि जैसे जैसे सूरज नीचे जा रहा है यहाँ पे ठंड बढ़ती जा रही है। तो लेट मी गेट अ ब्लैंकेट। और हमारा काम हो गया। तो एक बेसिक सा सेटअप, बॉनफायर है, बीवी
बच्चा, गाड़ी और पीछे पूरा जंगल। तो दिस इज इट गाइस, एक छोटू सा वीडियो टू शो माई ड्रॉअर एंड बेड सेटअप। अभी अंधेरा हो गया है तो देखते हैं, विल बी प्लानिंग टू स्लीप हेयर और समथिंग, देखते हैं। हमारी कैंपिंग की लाइट जल गई हैं तो होपफुली ये थोड़ा सा आसपास का जो इलाका है वो इल्यूमिनेटेड रहेगा तो इतना डर नहीं लगेगा। तो दिस इज इट, तो आई विल सी यू सून विद अनदर वीडियो। तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, कीप लिविंग, सी या।